रिएक्शन पे कूदने से पहले अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन पुश करो, खुश रहो। दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज सेकंड सिंगल आउट हो चुका है दोस्तों, लिरिकल वीडियो आउट हुआ है KGF चैप्टर 2 से, जिसका नाम है फलक तू गरज तू। लिरिकल सॉन्ग हिंदी में रिलीज हुआ है दोस्तों, तो काफी अच्छी बात है। बाकी देखते हैं कि ये सॉन्ग कैसा होने वाला है। ये सिर्फ ज्यादा रिएक्शन होने वाला है, मेजर डिस्कशंस नहीं होने वाली है इस वीडियो में, और जो बाकी डिस्कशंस वगैरह वो अलग से वीडियो में आउट हो जाएगी। सो अभी आप सिर्फ रिएक्शन एंजॉय करो दोस्तों। सो इसे शुरू करते हैं। Here we go. Rocking star, yes. ये तो काफी इमोशनल टाइप यहीं से ही लग रहा है। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। KGF चैप्टर 2, रॉकिंग स्टार, यश। रॉकिंग स्टार क्यों बोलते हैं बताना कमेंट्स में। वाओ, लिरिकल सॉन्ग है। सो तो रॉकी भाई की माँ पे बेस्ड है। आई थिंक ये बैकग्राउंड स्टोरी तो नहीं चलने वाली यहाँ पे, लाइक फिर से बचपन के सीन में वगैरह। यस यस, क्या बात है भाई। सही है यार, क्योंकि ये लेबर वर्क्स लाइक ऐसे ही रखते हैं बच्चों को काम कर, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। तो ये लिरिक्स मूवी में इमोशनल एंगल आएगा, लेकिन जो लिरिक्स हैं वो एग्जैक्टली मैच करते हैं लाइक स्टोरी से, और जो भी लाइक माँ और उसके बीच का रिलेशन था, जैसा कि बोला था उन्होंने कि सारे लोग पीछे तुम्हारे चले वगैरह जो भी था। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये मूवी भी ऐतिहासिक बनाएगी। बिल्कुल। सही है। ये क्यों नहीं, ये होनी चाहिए। ये बैकग्राउंड म्यूजिक ना बेस्ट, अलग ही वाइब देता है, गूज़बम्स आते हैं अंदर से, एकदम रिलेट कर जाता है पहले वाली KGF से। ऐसा लगता है जस्ट KGF चैप्टर 1 देख रहे हो। वाह, अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। नाइस, बिल्कुल इमोशनल सॉन्ग है, लेकिन लास्ट में बदलते बदलते क्या रैप्चर ट्यून हो गई है यार एकदम। सॉलिड। जबरदस्त है बोले यार, एकदम यू नो मजा आ जाएगा इस मूवी में। और एक मूवी जो है वो एक इमोशनल एंगल देने के लिए ये सॉन्ग जो वो है, और इमोशंस तो है ही है लाइक माँ के साथ जो कनेक्शन है, जो इमोशंस और कनेक्शंस जो उनके जुड़े हैं वो इस सॉन्ग में नजर आते हैं, और किस तरह से जो उनकी माँ जो है ना जो भी चीजें उन्होंने झेली हैं वो आगे बेटे को ना झेलनी पड़े। दुनिया का सबसे अमीर बंदा बनना दोस्तों, यही था आई थिंक मेन रीजन जिसकी वजह से इतना कुछ किया उन्होंने। सो देखते हैं कि आगे मूवी में अंपायर कैसा होने वाला है। फिलहाल सॉन्ग बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसको पूरे मार्क्स मिलते हैं दोस्तों। जो इमोशन ये सॉन्ग बताना चाहता है, जो लास्ट में बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है स्पेशली वो मंगल बेला आई बार वो वाला जो है वो बहुत जबरदस्त म्यूजिक है, और थिएटर्स में जब हमने देखी थी और वापस बजना चाहिए, बहुत ज्यादा सॉलिड जो है वो ये म्यूजिक था, और एकदम यू नो गूज़बम्प्स आते हैं जब वो म्यूजिक बजता है, तो मजा आ जाएगा जब यू नो थिएटर में KGF चैप्टर 2 रिलीज होगी, तो बम्पर ओपनिंग लगने वाली है इस मूवी की, और जबरदस्त अप्रैल के एंडिंग तक जो है वो यही मूवी जो है मेरे को लगता है छाने वाली है, जबकि इसके साथ जो है वो बीस्ट भी रिलीज होने वाली है। लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सो दिस वॉज अवर रिएक्शन ऑन दिस सॉन्ग। आई होप आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। जय हिंद।